हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे 9th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट डिफेंस स्टडीज। सो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, हमारा डिफेंस स्टडीज का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेशनल सिक्योरिटी। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा। ओके, सो फर्स्ट हम जानेंगे सिक्योरिटी मीन्स क्या, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था हमारे जीवन की आवश्यकता है। इवन ऑर्डिनरी स्पेसिस इन द एनिमल किंगडम गेट स्ट्रेंथ एंड मीन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस फ्रॉम द नेचर। एनिमल किंगडम के प्राणी मात्र के ऑर्डिनरी स्पेसीज मीन्स सामान्य जीवों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति और रिसोर्सेस के रूप में एक अनुरूप व्यवस्था प्रकृति ने, नेचर ने करके दी है। वॉट इज ट्रू अबाउट द एनिमल्स इज ऑल्सो ट्रू अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, जो बात एनिमल्स के लिए मीन्स प्राणी मात्र के लिए है, वही ह्यूमन बींग्स की भी है। सिक्योरिटी इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड कंट्री। तो सिक्योरिटी, ये जो कंसेप्ट है, ये जो संकल्पना है, ये इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, सोसाइटी मीन्स समाज और कंट्री, इन तीनों ही चीजों से संबंधित है। सिक्योरिटी क्रिएट्स पीस एंड स्टेबिलिटी। तो सिक्योरिटी से पीस मीन्स शांति और स्टेबिलिटी निर्माण होती है, स्थिरता निर्माण होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अनसर्टिनिटी। तो उसी प्रकार से अनसर्टिनिटी से मीन्स अनिश्चितता से सुरक्षा देती है। नेशंस फेस चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस। तो देखिए, नेशंस में, राष्ट्र राष्ट्र में चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ और प्रति चुनौतियाँ होती है। नेशनल सॉवरेंटी, नेशनल वैल्यूज, नेशनल टेरिटरी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। नेशनल सॉवरेंटी मीन्स राष्ट्र की स्वाधीनता, नेशनल वैल्यूज राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल टेरिटरी राष्ट्रीय भूमिका मस्ट बी प्रोटेक्टेड, संरक्षण होना भी चाहिए। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिविक लाइफ एंड नेशंस नेचुरल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इज टू प्रोटेक्ट नेशनहुड। तो देखिए, प्रादेशिक अखंडता, सिविल लाइफ मीन्स नागरिक जनजीवन और नेशंस नेचुरल एंड मटेरियल रिसोर्सेस मीन्स राष्ट्रीय साधन संपत्ति की परकीय आक्रमण से रक्षा करना ही राष्ट्रीयता की रक्षा है। इन अदर वर्ड्स, ऑल द डिफेंस मेजर्स यूज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द नेशनहुड एंड सॉवरेंटी इज नोन एज नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्यवाही में लाए जाने वाले सभी संरक्षक उपायों को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियाज हिस्ट्री। इफ वी लुक एट द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, यू विल रियलाइज दैट इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ए नंबर ऑफ इन्वेंशंस स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो देखिए, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की ओर देखने से पता चलता है कि भारत पर नॉर्थ वेस्ट रीजन मीन्स पश्चिम उत्तर दिशा से विदेशियों के आक्रमण हुए थे। इन दोज हिस्टोरिकल टाइम्स देर वेर मेनी स्टेट्स अंडर द रूल ऑफ मेनी किंग्स। तो देखिए, उस समय भारतीय राजाओं के अधिकार में अलग अलग राज्य थे। फॉर एग्जाम्पल, द मौर्याज, द गुप्ताज, द मराठाज हैड मेड पीपल कैपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि मौर्य, गुप्त, मराठा, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने की कैपेबिलिटी, क्षमता को लोगों में निर्माण किया।
They had built a defense system for the protection and expansion of the state and had adopted defense measures for the protection of their territory. तो अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य विस्तार के लिए सुरक्षा मीन सिक्योरिटी संबंधी उपाय योजना और उसका नियोजन और सिक्योरिटी सिस्टम मीन संरक्षण व्यवस्था की योजना दिखाई देती है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वी मस्ट नो सर्टेन रिलेटेड कंसेप्ट्स बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज. तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते समय कुछ कंसेप्ट्स को समझ लेना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनका नेशन और नेशनल सिक्योरिटी से संबंध है. अकॉर्डिंगली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय कंसेप्ट्स लाइक नेशन, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी. तो हम इन सब कंसेप्ट्स का स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ये आखिर होते क्या है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कंसेप्ट है नेशन. नेशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन ए कॉमन टेरिटरी बिलोंगिंग टू ए कॉमन रेस, रीजन और लैंग्वेज. तो देखिए नेशन अर्थात एक ही भौगोलिक प्रदेश में एक ही कल्चर मीन्स संस्कृति, एक ही वंश, रिलीजन, धर्म एंड लैंग्वेज और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं. दे हैव स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड देयर फोर दे बिकम ए नेशन. तो देख सकते हैं उनमें यूनिटी की भावना होती है, एकता की भावना होती है और उस प्रदेश को ही नेशन कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है. नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेशन स्टेट मीन्स राष्ट्र राज्य. व्हेन डज ए नेशन बिकम नेशन स्टेट. तो देखिए कोई राष्ट्र, कोई नेशन, नेशन स्टेट कब होता है, राष्ट्र राज्य कब होता है. द थ्री एलिमेंट्स ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेंटी मेक नेशन अ नेशन स्टेट. तो देखिए तीन बातें हैं, तीन एलिमेंट्स है, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सॉवरेंटी. तो इन्हीं तीन एलिमेंट्स के कारण राष्ट्र राष्ट्र राज्य बनता है, नेशन नेशन स्टेट बनता है. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन ए नेशन स्टेट. और राष्ट्र राज्य में, नेशन स्टेट में अनेक प्रकार की विविधता हो सकती है. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. तो देख सकते हैं भारत एक नेशन स्टेट है, फिर भी हमें क्या एग्जाम्पल दिया है, भारत में, इंडिया में रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, इन जैसी विविधताएं होती है. नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेशनलिज्म. द वेरी कंसेप्ट ऑफ नेशन इटसेल्फ डिफाइंस नेशनलिज्म. द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल अबाउट देयर कंट्री एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेशनलिज्म. तो देख सकते हैं नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद. तो राष्ट्रवाद की परिभाषा नेशन मीन्स राष्ट्र इस कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन में ही है. तो लोगों की देश हित के बारे में जो भावनाएं व्यक्त होती है, जो इमोशंस फीलिंग्स व्यक्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वी टॉक ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया. तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब हम भारत के, इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में बोलते हैं तब भारत को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड इंडिया मीन्स संघ राज्य कहते हैं. ऑल ऑफ अस आर नोन एज इंडियंस इन स्पाइट ऑफ अवर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर. तो देख सकते हैं हमारे हमारे भारत में विविध भाषाएं, धर्म के लोगों की पहचान भारतीय रूप में ही होती है. तो इसीलिए भारत को एक संघ कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है. ओके नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट मीन्स राष्ट्रहित. नेशनल इंटरेस्ट इज अंडरस्टूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ ए नेशन. तो देख सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट देश के मूलभूत मूल्यों से संबंधित होता है. कोर वैल्यूज मीन्स मूलभूत मूल्यों से.
The core values are defined in terms of geography, size, and other political, social, cultural, and economic elements. तो देख सकते हैं इन core values को, इन मूल्यों को देश का geography means भौगोलिक विस्तार, political means राजकीय, social means सामाजिक, cultural means सांस्कृतिक और economic elements means आर्थिक घटकों के आधार पर निश्चित किया जाता है. In India, these core values can be seen in the preamble to the Indian Constitution. तो देख सकते हैं ये core values, ये मूल्य देश के constitution means संविधान में है. Democracy, socialism, secularism and republicanism, federal system and equality are the core values of India. तो हमारी इंडिया की core values कौन कौन सी है? Democracy means जनतंत्र, socialism means समाजवाद, secularism means धर्मनिरपेक्षता, republicanism means गणराज्य and federal system. Federal system means संघ राज्य पद्धति and equality are the core values of India. और समानता ये भारत के मूलभूत मूल्य है, core values है. These core values helps us to understand the history, culture, society, economic system and form of state. तो देख सकते हैं इन मूल्यों के कारण, इन core values के कारण देश का cultural, history means सांस्कृतिक इतिहास, कल्चर संस्कृति, सोशल सोसाइटी मींस समाज, इकोनॉमिक सिस्टम मींस अर्थव्यवस्था एंड फॉर्म ऑफ स्टेट. तो देख सकते हैं राज्य संस्थान के प्रकार की प्रणाली समझ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेशनल पावर मींस राष्ट्रीय सामर्थ्य. नेशनल पावर इज ए मींस टू प्रोटेक्ट द कोर वैल्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल पावर की सहायता से देश के कोर वैल्यूज मींस मूलभूत मूल्य और नेशनल इंटरेस्ट मींस राष्ट्रहित की रक्षा होती है. द कैपेबिलिटी ऑफ ए नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ इज नोन एज नेशनल पावर. तो देश की रक्षा की क्षमता कैपेबिलिटी को नेशनल पावर कहा जाता है. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इट हैज ऑलवेज बीन एट द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम. तो एंशियंट टाइम से मीन्स प्राचीन काल से आज तक नेशनल पावर सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम के सेंटर मीन्स केंद्र स्थान में ही रही है. एवरी नेशन मेक्स एन इफोर्ट टू एक्वायर एंड सस्टेन इट. तो नेशनल पावर प्राप्त करने के प्रयास हर एक नेशन, हर एक राष्ट्र द्वारा किए जाते हैं. A powerful nation is in a better position to protect its interest. तो जिस देश का national power, राष्ट्रीय सामर्थ्य प्रभावी होता है, powerful होता है, वह देश किसी भी field में, किसी भी क्षेत्र में अपने हित संबंध बढ़ाने में समर्थ रहता है, capable रहता है. Every country makes an attempt to seek cooperation from others just to protect its national interest. National power can be defined as the ability of a nation to influence other nations with a view to protect its own national interest. It means, जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य means national power कमजोर होता है, weak होता है, वह देश अपने हित संबंध सुरक्षित रखने के लिए अन्य राष्ट्रों से सहयोग लेता है, help लेता है. So, national power can be defined as the ability of a nation to influence other nations with a view to protect its own national interest. तो हम national power की definition क्या कह सकते हैं? अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से, perspective से, दूसरे देशों के साथ होने वाले संबंधों को प्रभावित करने की एबिलिटी, क्षमता को राष्ट्रीय सामर्थ्य कहा जाता है, नेशनल पावर कहा जाता है. एवरी नेशन ट्राइज टू इंक्रीज इट्स नेशनल पावर इन वेरियस वेज फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट. हर राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए और अपने हित की प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपना नेशनल पावर, राष्ट्रीय सामर्थ्य,
अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का अनेक तरीकों से प्रयास करता रहता है। नेशनल पावर इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू पावर। तो नेशनल पावर देश की भौतिक, मटेरियल मीन्स भौतिक और नॉन मटेरियल एलिमेंट्स मीन्स, इट मीन्स नेशनल पावर देश की मटेरियल और नॉन मटेरियल एलिमेंट्स की सहायता से अस्तित्व में आता है। मटेरियल एलिमेंट्स इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, आयरन एंड स्टील, मिनरल्स एंड वाटर। तो देखिए, मटेरियल रिसोर्सेस में, मटेरियल एलिमेंट्स में कोल मीन्स कोयला, आयरन मीन्स लौह, स्टील मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खनिज एंड वाटर जैसे नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का समावेश होता है। दे हेल्प ए नेशन टू बिल्ड इंडस्ट्रियल पावर। तो इनकी सहायता से इंडस्ट्रियल पावर, राष्ट्रीय औद्योगिक क्षमता निर्माण की जाती है। India's achievements in the areas of space research and nuclear science have also contributed to our national power. तो देखिए, भारत का space research means अंतरिक्ष संशोधन and nuclear science means अणुविज्ञान क्षेत्र का योगदान भारत की national power निर्मिति का बड़ा घटक है। The non-material resources include the psychology and moral of the people and their sense of commitment towards the nation. It means non-material elements में देश की जनसंख्या, psychology, उनका मनोधैर्य and moral of the people and their sense of commitment, देश के प्रति होने वाली जिम्मेदारी, इन बातों का समावेश होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी। मेजर्स अंडरटेकन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन आर नोन एज सिक्योरिटी। तो देखिए, अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए किए गए उपायों को सिक्योरिटी कहा जाता है, सुरक्षा कहा जाता है। एवरी नेशन फेसेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस टू इट्स सिक्योरिटी। तो देखिए, हर राष्ट्र की, हर नेशन की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस मीन्स आंतरिक और बाह्य चुनौतियां होती है। नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लाइज डीलिंग विथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट्स। तो उनसे राष्ट्र रक्षा के उपाय निश्चित किए जाते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन डज नॉट हैपन एवरी डे, हाउएवर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इन द पीस टाइम बिकम्स ए पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में नेशन के एक्सटर्नल अग्रेशन मीन्स बाह्य आक्रमण के साथ ही देशांतर्गत शत्रु से देश की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। देयरफॉर द डिफेंस सिस्टम क्रिएटेड ड्यूरिंग पीस टाइम फॉर नेशनल डिफेंस इज नोन एज नेशनल सिक्योरिटी। तो देखिए, बाह्य आक्रमण रोज घटने वाली घटना नहीं है, फिर भी पीस टाइम में, शांति काल में नेशनल सिक्योरिटी के लिए की गई तैयारी और किए गए उपाय, इनका नेशनल सिक्योरिटी के साथ संबंध होता है। देयरफॉर द डिफेंस सिस्टम क्रिएटेड ड्यूरिंग पीस टाइम फॉर नेशनल डिफेंस इज नोन एज नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी किसे कहा जाता है? शांति के समय, पीस टाइम, सजग रहकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निर्मित सुरक्षा व्यवस्था मीन्स डिफेंस सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लाइज द प्रोटेक्शन ऑफ कोर वैल्यूज थ्रू द यूज ऑफ नेशनल पावर। तो नेशनल सिक्योरिटी में कोर वैल्यूज की रक्षा के लिए, मूलभूत मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है, नेशनल पावर का उपयोग किया जाता है। एट द सेम टाइम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स आर आल्सो अडॉप्टेड फॉर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो देख सकते हैं, इसी प्रकार देशांतर्गत सोशल मीन्स सामाजिक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक एंड
पॉलिटिकल सिक्योरिटी मीन्स राजकीय सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर नेशनल सिक्योरिटी लर्न किया। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।